बच्चों, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीट इन 30 मिनट्स एट 300 केल्विन एंड इन 10 मिनट्स एट 320 केल्विन. कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ईए फॉर द रिएक्शन. आर इज गिवन टू इट 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. एंड लॉग टू द आवर इज 0.3010 एंड लॉग थ्री द आवर इज 0.4771. लॉग फोर द आवर इज 0.6021. सो द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी इज बेसिकली द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में गिवन है दैट इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. क्वेश्चन में ये भी गिवन है दैट 50% रिएक्शन इज कंप्लीट विद इन 30 मिनट्स. दैट मीन्स जो 30 मिनट्स एट 300 केल्विन 50% ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीट. सो वी कैन से हाफ लाइफ टी हाफ 30 मिनट्स at 300 Kelvin इसको temperature T1 मान लेते हैं and T half is equal to 10 minutes in 320 Kelvin. So इसको temperature T2 मान लेते हैं. First order reaction according to the formula half life जो होता है या टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, वेयर के इज द रेट कॉन्स्टेंट. सो के वन जो होगा फॉर टी वन टेम्परेचर दिस वुड बी 0.693 अपॉन 30 मिनट्स दिया हुआ था, इसको मल्टीप्लाई बाई 60 करेंगे तो सेकेंड्स में आ जाएगा, विच गिव 0.000385 पर सेकेंड. And K2 is 0.693 upon 10 minutes diya hua tha, so 10 into 60, which will give it in seconds, which is 0.001155 second per second. So Arrhenius equation jo hai, Arrhenius equation according to it, log of K2 upon K1 is equal to EA upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2. ये सारे सारे वैल्यूज को पुट करके ये आता है log 0.001155 upon 0.000385 is equal to activation energy upon 2.303 into 8.314 given and question mark into temperature 1 is 300 minus temperature 2 is 320. So solving for EA, EA comes out to 4389. So it's from 4389. It's 4389.2 joules per mole. और इसको किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करें तो एक्टिवेशन एनर्जी कम्स आउट टू बी 43.839 किलो जूल पर मोल. सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 43.839 किलो जूल पर मोल. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.